हेलो प्यारे बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सम ऑफ द एंगल्स इन ए पॉलीगन, इसका एक पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक किसी भी पॉलीगन में एंगल का सम कितना होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक ट्राइंगल में, ठीक है, तो ट्राइंगल का आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल में एंगल सम जो होता है, जैसे आपने पहले भी क्लास में पढ़ रखा होगा, तो इन तीनों एंगल का सम जो होता है वह होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम, ठीक है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। अब इसी को हम बेस मान के बाकी के बनाएंगे। एक ट्रायंगल में एंगल का सम कितना बताया मैंने, 180 डिग्री। ऐसे ही अगर एक क्वाड्रिलेटरल देखी जाए तो देखो इसमें चार साइड हैं। अगर मैं यहाँ से इसको बीच में से इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया मैंने, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो एक ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो का कितना हो गया, दो का हो गया हमारे पास 180 × 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 360 डिग्री। अच्छा, मैं एक कंसेप्ट इसमें और बताऊं, पहले तो आपको ऐसे बताऊं, फिर एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसके बाद। पहला आप ये समझ लो, इसका ये समझ में ना आए तो दूसरे वाला बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो देखो ये पांच है, पांच साइड है। अगर मैं यहां से ट्रायंगल बनाऊं, देखो एक ट्रायंगल ये बन जाता है, एक ट्रायंगल ये बन जाता है, यानी कि 1 2 3, तीन ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल हमें कट नहीं करने, अगर आपने कहीं सोचो कि यहां से ही बना दे तो चार बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। तीन ट्रायंगल अलग अलग जो कट ना करें, एक ये, एक ये, एक ये, तीन ट्रायंगल, एक का 180, तीन का 3 × 180, कितना आ जाएगा, 540 डिग्री। ऐसी छह साइड हैं इसमें, तो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो देखो 1 2 3 4, फोर ट्रायंगल बन गए, यानी कि 4 × 180। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 × 4 = 72, और लास्ट में एक जीरो, तो एक जीरो लगा दिया, यानी 720 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो चलो 6 तक थे। अगर आपसे 10 तक, 10 का पूछा जाए जिसमें 10 साइड होती हैं, उस पॉलीगन में कितने एंगल सम होगा, क्या एंगल सम होगा। 20 के लिए पूछा जाए, 100 के लिए पूछे, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको ये हर बार बनाकर नहीं देखनी है। इसके लिए आप बेहतरीन सी ट्रिक आप ध्यान रखना, एंगल सम किसी भी पॉलीगन में होता है तो उसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंगल सम इन ए पॉलीगन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंगल सम इन ए पॉलीगन होता है हमारे पास n − 2 × 180 डिग्री। ठीक है, n − 2 × 180 डिग्री। अब देखिए इसमें अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं तो ट्रायंगल की जगह 3 लेता हूं, 3 − 2 कितना आएगा, 1 × 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल लेता हूं तो क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 है, तो 4 − 2 ये तो आ जाएगा 2 × 180, कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा इसी फॉर्मूले से हम कुछ एक दो एग्जांपल और लेते हैं जो आपके इसी क्वेश्चन में आगे दे रखे हैं, उन्हीं को इससे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए इसी में दे रखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद फॉलोइंग नंबर ऑफ गिवन साइड्स। अब देखिए यहाँ पे गिवन साइड्स है हमारे पास 7, तो हमारे पास फॉर्मूला है n − 2 × 180 डिग्री। अब n कितना है, n है हमारे पास 7, तो 7 − 2 × 180 डिग्री, तो 7 − 2 यानी हो गया 5, 5 × 180 डिग्री, तो 5 × 180 कितना हो गया, 18 × 5 = 90 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 90, और एक जीरो तो जीरो, यानी 900 डिग्री। ये डिग्री है सर, 900 डिग्री। तो 7 साइड्स अगर किसी पॉलीगन की हैं तो उनके जो एंगल का सम होगा वो कितना आएगा, 900 डिग्री। अगर 8 साइड है तब क्या आएगा, 8 − 2 × 180 डिग्री, 8 − 2 कितना हो गया, 6 × 180 कितना आ गया, 6 × 180, तो ये कितना आ गया, 6 × 0 = 0, 6 × 8 = 48, 4 × 6 = 6, 6 × 4 = 10, 1080 डिग्री। अगर किसी पॉलीगन में 8 साइड है तो उसका एंगल सम कितना आएगा, 1080। ऐसे 10 साइड वाले का देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 − 2 × 180 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला हमें यही फॉलो करना है, n − 2 × 180 डिग्री, 10 − 2 कितना हो गया, 8 × 180, यानी 18 8 जो हमारे पास हो गया 144, और एक जीरो, यानी कि 1440 डिग्री। अगर n साइड हो तब क्या होगा, n साइड के लिए तो हमारे पास सिंपल यही फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट क्या होगा, n − 2 × 180 डिग्री। ठीक है, n − 2 × 180 डिग्री। ठीक है, तो n साइड के लिए n − 2 × 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आप जितने भी नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो आसानी से।
ठीक है ठीक है। तो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन आर द पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जिनकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो हमें उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है जिसकी थ्री साइड्स होती हैं। तो देखिए थ्री साइड्स वाला हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल, और वो भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या आएगा इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा फोर साइड, तो देखिए फोर साइड वाले का आंसर है हमारा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही सभी साइड और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। आप रोम्बस मत समझना इसका आंसर, क्योंकि रोम्बस में साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन उसकी जो एंगल हैं वो सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा सिक्स साइड्स वाले का, तो सिक्स साइड्स वाले के लिए आंसर होगा हमारा रेगुलर हेक्सागन। क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।